सरस्वती माता की जय। श्रोताओं, भाग 10 में मैंने बताया था कि जो राजा कंपिल का राजा था फूल सिंह पंजाबी, उसने नरबड़गढ़ जो उनका टेंट लगा था गंगा पे, वहाँ उन्होंने खत पत्र भाई के माध्यम से वह पहुँचाया कि आपकी पत्नी ने मुझसे, रानी मंजा ने मेरी बेटी सावित्री के साथ ऐसा कहा, मैं आपसे युद्ध लड़ूंगा, अपनी सेना तैयार कर लीजिए। जब वो राज्य दरबार में पहुंचा और राजा जो वीर सेन थे, वीर विक्रम जो प्रथम, उनने देखा वो चौंक गए, क्या बात है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं, ये क्या हो गया है। फिर राजा ने कहा, चलो ठीक है, ऐसा कौन सा राजा है जो हमारे अलावा जो बावनगढ़ के राजा हैं वो मुझसे युद्ध करना चाह रहा है। श्रोता, जो कंपलगढ़ का राजा था फूल सिंह पंजाबी और उधर राजा प्रथम नरवड़कर के, वो भी जाने माने पहचाने राजा हुआ करते थे नरवड़कर के, जिन्हें वीर सिंह और राजा प्रथम कहा जाता था। प्रथम के साथ लगभग 1,00,000 की सेना थी, उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया और चल पड़े, कहा युद्ध करूँगा। उधर कंपलगढ़ की सेना चल पड़ी है। श्रोताओं, जब सेना चल पड़ी है दोनों लोगों को, क्योंकि पास में ही दोनों लोगों का टेंट लगा था, और घमासान युद्ध चालू हो गया। घमासान युद्ध हो रहा है, मगर राजा जो वीर सेन है उनकी सेना तस से मस नहीं हो रही है। 2 दिन तक लगातार युद्ध हो रहा है, घमासान युद्ध हो रहा है। श्रोताओं, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। श्रोताओं, घमासान युद्ध हो रहा है, इधर नरवड़गढ़ की जो सेना है, उधर कंपलगढ़ की सेना है, दोनों में खूब युद्ध हो रहा है, मारा मारी हो रही है, मगर कोई मर नहीं रहा है। जो फूल सिंह पंजाबी था वो चौंक रहा है, क्योंकि उसके साथ स्वयं देवी चंडी महाकाली तलवार लेके उतरती हैं, युद्ध करती हैं, मगर फिर भी नहीं। फिर वो वास्तव में ऐसे ही लड़ते लड़ते, दोस्तों कई दिनों का टाइम बीत गया, वो अपने वापस पहुंचा और उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी क्या है इसमें, 4 दिन हो गए मुझे लड़ते हुए, अभी तक इसमें कोई मरा नहीं, युद्ध की कोई जीत कोई नहीं निकल रही। क्योंकि जो सावित्री थी वो जादूगरनी थी, उसे 14 विद्याओं से ज्ञात थी, ज्ञात हुआ था, मतलब बहुत तगड़ी जादूगरनी थी। उसने उस पर एक जादू का पिटारा था जो उसने तपस्या करके देवी माँ से प्रदान किया था, तो उसने अपने पिता को थोड़ी सी भस्म दे दी कि हे पिता, ये भस्म उन सैनिकों को ऊपर मार देना। फिर ये धोने लगा, तभी जब ये धोने लगा, क्योंकि वो उसने जो भस्म थे जो उसकी बेटी ने दी थी फूल सिंह पंजाबी को, वो उसने युद्ध रणभूमि पर मंत्र अभिवृत्त कर जल छिड़क कर मार दी, जिससे नरवड़गढ़ की जो सेना थी 1,00,000 की फौज वो मर गई और गढ़गंगा में बहा दिया। जब गढ़गंगा में सेना को बहा दिया, अब जो महाराज प्रथम और उनकी रानी मंजा जो थी, वही दो लोग बचे थे। उधर मनसुख जो लाखा था पंडित, जो मतलब आना जाना प्रदान करता था, सूचना का आदान प्रदान करता था, वो रह गया था, वो छिप गया था, क्योंकि वो युद्ध नहीं लड़ रहा था। फिर फूल सिंह पंजाबी ने दोनों को बंदी बना दिया और बंदी बना के अपने राजमहल में ले आया, अपने राजमहल में ले आया, और जो रानी मंजा थी उनसे कह दिया कि तुम्हें मेरे ऊपर, महलों के ऊपर काव उड़ाने पड़ेंगे, कौवा उड़ाने पड़ेंगे, कोई पंछी ना बैठे। उन्हें एक डंडा दे दिया और मात्र उन्हें खाने के लिए 2 मुट्ठी चने दिए जाते थे रोज। और राजा जो प्रथम थे, वीरों के वीर राजा कहे जाने वाले, जिनके मारे नरबड़गढ़ हालता था, डंका बदलता था, समय समय की बात है, समय को ना जानो भूल दोस्तों, समय को नहीं भूलना चाहिए। श्रोताओं, राजा से रंग रंग से फकीर, यही दुनिया की रीत है। फिर क्या हुआ श्रोताओं, जो राजा प्रथम थे उन्हें एक चक्की चलाने को दी गई है, उन्हें 2 रोटी सूखी दी जाती हैं और वो प्रतिदिन चक्की चलाते हैं। श्रोताओं, जब वो ही राजा हैं दुनिया का राज्यपाट चलाते थे, क्योंकि विपता पड़ी है आज इन पे, ऐसे ही श्रोताओं दोनों लोग बंदी रह रहे हैं। उधर राजा नल अपने चैन से राज्यपाट चला रहे हैं, राज
नल को कोई सूचना नहीं है। गजमोतनी को सपन हुआ कि सपने में देखा कि मेरी सेना लौट पौट हो गई, और मैंने एक सपना देखा, देखिए कि सपने में हमारी सेना बहा दी गई गढ़गंगा में, और मेरे सास ससुर चक्की चला रहे हैं, काव को उड़ा रही हैं। मैंने देखा एक कंपिलगढ़ का राजा है जो फूल सिंह पंजाबी, वो राजा है, वो राजा नहीं है, अपने आप को हैवान है, हैवान। श्रोताओं, इसके बाद में अब कैसे पता लगेगा राजा नल को कि मेरे माता पिता वहाँ राजा की कैद में हैं। नरबड़गढ़ के जो राजा नल के पिताजी प्रथम और रानी मंजा, राजा नल की माता, वो कंपिलगढ़ के राजा फूल सिंह पंजाबी की में कैद हैं। राजा नल को कैसे सूचना होगी कि मेरे पिता और मेरी सेना कहाँ है। दोस्तों श्रोताओं, भाग लंबा हो रहा है, अब मैं कल के भाग 12 में आपको बताऊंगा कि कैसे छुटकारा मिलेगा, कैसे बंदीगृह से आज़ाद होंगे, राजा नल अपने पिता को आज़ाद करेंगे। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।